विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट एक ऐसा सेवा का प्लेटफॉर्म जो पूरे वर्ष सामाजिक और धार्मिक सेवा के लिए जाना जाता है। इसी के तहत मुंबई में लगातार कई वर्षों से श्री अशोक सिन्हा साहब के नेतृत्व में और विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से शानदार हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। एक बार फिर से इस बार हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जन्मोत्सव का शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त मौजूद रहे। खास बात यह रही कि विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट पूरे वर्ष सामाजिक और धार्मिक कार्य करते रहते हैं, चाहे वो रामकथा की बात हो या चंडी महायज्ञ की बात हो या फिर ऐसे हनुमान जन्मोत्सव की बात हो। ऐसे सभी आयोजनों को अशोक सिन्हा के नेतृत्व में शानदार आयोजन किया जाता है। तो यह तस्वीरें बेहद ही खास है, जहां तमाम लोग भगवान हनुमान जी का दर्शन करने पहुंच रहे हैं, उनका दर्शन ले रहे हैं। लेकिन इस मौके पर क्या कुछ कहती तस्वीरें, वह खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे क्या कहते हैं। Oh, my God.
इस सारे जगत में हमारे हनुमान जी हैं, जो चारों लोक रूप जो है कहा जाता है, चारों युग में वर्तमान है, आज भी है, और कलयुग के तो सबसे बड़े देवता हनुमान जी हैं, जो हमें विद्या बुद्धि धन दौलत मान सम्मान और हर तरह के मुसीबतों से हमारी रक्षा करते हैं।
तो हर वर्ष की तरह इस बार भी हनुमान जन्म उत्सव यहाँ मनाया गया और इस जन्म उत्सव में हमारे सभी सहयोगी इस एरिया के जो भी हमारे नेतागण और सारे सम्मानित नागरिक इसमें सम्मिलित हुए और उनके सम्मिलित होने से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और इस उत्साह में हम लोग और जोर शोर से हनुमान जयंती उत्सव मनाते हैं। लेकिन तो मेन है कि भाई हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, उनकी आरती और इसके बाद में सब लोगों को प्रसाद वितरण, इसका ही व्यवस्था रहता है। लोगों को यही मैसा देंगे कि भाई जितना भक्ति करो उतना कम है, कुछ समय निकालो और प्रेम से राम नाम जरूर बोलो और साथ साथ बोलो जय बजरंगी। आप सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभेच्छा देना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले रामनवमी हमने मनाया और उसके बाद आप हर साल की तरह आज हनुमान जयंती विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर किया जाता है और सुंदरकांड का पाठ किया, उसके लिए ये कंठ अपने कान में जाने चाहिए। ऐसे शब्द सबको मोहित कर देते हैं। हमारे पास इतने बिजी शेड्यूल में हम लोगों के पास समय नहीं होता है, तो थोड़ा समय निकाल के हमने भी आज सुंदरकांड यहाँ पर सुने और भाव विभोर हो गए। लोगों को क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज देंगे कि भगवान है तो सब है।